गुजरात में आज शाम को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा, जहां प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आज नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली बार गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी आज पूरे एक्शन मोड में नजर आने वाली है। जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वहीं भगवान मान छह रोड शो गुजरात में करेंगे और आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों से जनता से वोट की अपील की जाएगी। कांग्रेस के भी कई दिग्गज आज चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप बता दें कि पहले चरण में गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। पहले चरण में चुनावी मैदान में 788 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 833 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आज आजमाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर अब रूपरेखा तमाम राजनीतिक पार्टियों की बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज शाम को आपको बता दें कि जो चुनाव का शोरगुल है, प्रचार प्रसार का शोरगुल है, वो थमता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब पूरी ताकत हर राजनीतिक दल अपनी अपनी झोंकता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, यहां पर आपको बता दें कि संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले ही यहां पर ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी भी कई बड़े दावे वादे लगातार करती हुई नजर आ रही है, और उसी के तहत अगर कांग्रेस का भी जिक्र किया जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जब यहां गुजरात में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दिग्गज कांग्रेस के पहुंचते हुए नजर आए, तो कई दावे वादों के साथ एक बार फिर से अपने वोट बैंक को मजबूती देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई।